नमस्कार दोस्तों, आज संडे और कुछ दोस्तों से मेरा बातचीत होता रहता है तो कोई दोस्त बोलता है मेरे सर वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता, तो कोई बोलता है मेरे को सर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आज मैं इसी विषय के ऊपर आपसे सोचा मिल लूँ एक बार और आपकी क्वेरीज को कोशिश करता हूँ कि वो सॉल्यूशन निकल जाए उसका कुछ। तो आज आपको बताता हूँ गूगल की एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम यानी जो गूगल का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा आपको समझना है। अगर आप यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, चाहे गूगल पे आपने वेबसाइट बना के रखा हो या आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या व्लॉगर हैं, आपको गूगल के अंदर गूगल की एल्गोरिथम का ध्यान होना चाहिए। क्या आप टेक्स्ट दे रहे, क्या आपका डिस्क्रिप्शन है, क्या आपका कंटेंट काम कर रहा है, कंटेंट जो होता है वो किस तरह से काम करता है, यही जो बातें हैं या आपको खास ध्यान रखना है। तो अभी जैसे आज का चैप्टर है SEO, SEO समझे, तो जिसको अपन गूगल में SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, समझ में आया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी आपके वीडियो में आप क्या चीज़ ऐसा डाल रहे, क्या टेक्स्ट डाल रहे कि आपका वीडियो सर्च ऑप्टिमाइजेशन में एक नंबर क्रेज पे रहेगा, दो नंबर पे रहेगा, या आप जो लिख रहे और आपका जो वीडियो का रिलेशन है, वीडियो के अंदर की जो थिंग्स है वो गूगल समझ के उल्टा कोई दूसरी चीज़ उसमें इन्वॉल्व कर रहा, आपका वीडियो रैंकिंग में नहीं आ रहा। तो गाइज आपको आपका जो वीडियो बनाया है उसकी क्वालिटी, मैं आपको 5 टिप्स बताता हूँ आज के वीडियो में जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, जिससे मैं, पहला टिप्स मेरा है कि वीडियो की क्वालिटी। तो जो भी आप वीडियो शूट करने जा रहे हैं या आप जो अपलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी लगभग 480 से ऊपर यानी 720 HD पिक्सल्स में होनी चाहिए। अब मैं 4K की तो बात नहीं करता क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स के जो नए क्रिएटर्स होते वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते कि वो 4K वाला DSLR या कैमरा लेके अपना फ़ोटो शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, मैं इतना नहीं कहता, लेकिन 480 टू अबव 720 पिक्सल तक आप HD तक आपने कैमरे में वीडियो अपलोड करना है, फर्स्ट हो गया। तो YouTube ये चीज़ देखता है कि आपकी वीडियो की कितनी अच्छी जो क्वालिटी है, फर्स्ट हो गया क्वालिटी इम्प्रेशन। सेकेंडरी आपको क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें जो आपका कंटेंट है वो किस चीज़ से रिलेशन है। अभी जैसे दो चीज़ पकड़ के चलते हैं कि एक चीज़ आप गूगल पे सर्च कीजिए क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है, ठीक है, तो आपको उधर से अपना एक कंटेंट निकालना है कि आपको किस कंटेंट के ऊपर काम करना है और जिसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ये आप आराम से सर्च कर सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके क्या चल रहा है, तो उस टॉपिक को आप मेन टॉपिक बनाकर ही आगे काम करना है। अभी टेक्स्ट हो गए उसके, तो टेक्स्ट देखना है कि वो स्पेशली किस चीज़ पे आप टैग दे देंगे, जस्टिन बाइबर, अरे बाबा उसमें गाना डाला है किसी का और डाल दिया जस्टिन बाइबर, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने वीडियो से रिलेशन रखना है, ना कि किसी दूसरे के टेक्स्ट डालकर उसको लंबा बढ़ाना है। टेक्स्ट भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 5 to 7, तो क्या वीडियो इम्प्रेशन देता है और वो टेक्स्ट भी जो गूगल की जो रहती है लैंग्वेज जिसको अपन नहीं समझ पाते, गूगल लाइक यूट्यूब, तो उसकी जो एल्गोरिथम होती है वो उस पर कंटेंट और जो उसकी भाषा से मैच हो जानी चाहिए। तो कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए। और अभी दो बातें, अभी तीसरी बात, व्यूज़ नहीं आ रहे, प्रॉब्लम है, आपने वीडियो अच्छा बनाया है, सब हो रहा है, अभी आपके पास में व्यूज़ नहीं है, तो व्यूज़ के लिए आप शेयर्स करते हैं। तो मित्रों अभी आज से पहले मैंने भी बहुत शेयर किए थे, क्या
अभी मैं शेयर करना भूल गया हूँ, जब से गूगल का जो ये लैंग्वेज एल्गोरिदम होता है SEO, मैंने ये चार्ट पढ़ा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था, तो इसमें मैंने इसको छोड़ दिया कि क्या समझाना है क्या नहीं समझाना, शेयर नहीं करने का। ठीक है, आपको जो भी व्यूज आ रहा है वो अपने दम पे लाना है, ना किसी को बतला कर क्या इतने दिन में शेयर कर करके एक व्यूज़ दो व्यूज़ के लिए करता था, अभी मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। तो इसमें क्या होता है, जो आप का कंटेंट है, आपके व्यूज़ कैसे आएंगे, तो व्यूज़ आएंगे आपके कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो एक हो गया क्वालिटी, एक हो गया आपका कंटेंट, अभी तीसरा हो गया कि आप जो वीडियो बना रहे हैं, वो आजकल बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, ड्यूर जो भी है स्क्रीन वाले, तो वो स्क्रीन वाले ऐप्स यूज न करके आपको क्या करना है कि अपने फेस लाइव, जैसे मैं अभी सामने आके बोल रहा हूँ क्या, तो लोग आपसे दोस्ती करेंगे, समझ रहे गाइस, वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अभी फेस लाइव किसी और का है, पीछे कोई और बोल रहा है, यूट्यूब ये चीज़ पर्सनल देखता है फ्रेंड्स, यूट्यूब को मालूम है कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि वो सामने बैठ के नहीं बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है, कोई दूसरा समझा रहा है, वीडियो किसी का है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अभी तीन बातें हो गई, अभी चौथी कि आपका जो वीडियो है चलो हो गया, मार्केट में पहुंच रहा है, लेकिन उसके पीछे व्यूज़ आने का और आपके जो व्यूज़ हैं उनको कुछ समझने का, तो वो क्या है। ठीक है, अभी दोस्तों व्यूज़ को कैसे पकड़ने का, कैसे व्यूज़ आ रहा है उसको देखने के लिए अपने को अपने कंटेंट अपने वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन डालना वो क्वेश्चन ये है कि मैंने आज आपको वीडियो के अंतर्गत कितने टिप्स बताए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने आपको कितने बता दिए, तीन बता दिए, अभी चौथा बताता हूँ कि आपको चौथा यही है, क्वालिटी हो गया, आपका कंटेंट हो गया, आपका जो एल्गोरिदम होता है वो कंटेंट जो आप टेक्स्ट डाल रहे हैं वो कैसे डालना है, चौथा हो गया क्वेश्चन, आप अपने वीडियो में एक क्वेश्चन डालो, और पांचवा या चौथा मान लीजिए वो जो स्क्रीन वीडियोस न करके आप लाइव वीडियो कीजिए, और लाइव वीडियोस नहीं कर रहे तो आप फेस कैम के जो वीडियोस होते हैं वो वीडियोस कीजिए, और फिर देखिए आपके जो व्यूज़ आ रहे, एक तो रियल, एक शेयर करके, आप खुद समझ आएंगे कि आपके व्यूज़ कैसे आ रहे, क्यों आ रहे, और जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं वो रियल और ख़ुद का होना चाहिए, ये मैं पहले बताता हूँ। और काम करना है YouTube में, अच्छे क्रिएटर बन के रहना है और अच्छे हमारे साथ में जीना है। फ्रेंड्स संडे था, कुछ लोगों के मैसेजेज आ रहे थे मेरे को, बार बार पूछ रहे थे SEO करवाना है SEO। अरे भाई SEO कोई करने नहीं आता, आप खुद कर सकते हैं अपनी वीडियो का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, यू कैन सर्च ना ऑन गूगल, यूट्यूब, ऑन योर ब्लॉग्स SEO। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, क्या मैं नहीं बोलता आपको सब्सक्राइब करो मत करो, वीडियो देखा है, अगर मेरा कुछ गलत है तो आप डिसलाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मैं नहीं बोलता आपको लाइक करना है डिसलाइक करना है सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, आप चले जाइए क्या, लेकिन जैसा भी इस वीडियो में देखा है आपने क्या, तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या, जो भी मेरा क्वेश्चन है जो मैंने बीच में बोला है उसका कमेंट ज़रूर लिख के जाइए कि मैंने इस वीडियो में कितने टिप्स बताई हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमसे जुड़ के रहिए, हम जो ये YouTube के क्रिएटर्स हैं उसमें से भी एक है।
और अभी तक हम ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आप तक अच्छी और ताज़ा जो अपडेट्स रहती है वो लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, बाय, हैप्पी संडे।